सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A71 और सैमसंग गैलेक्सी A91 के बारे में। तो इससे पहले डिस्क्रिप्शन में सोर्स का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आप जाके वहां से पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये फेक है, झूठ है। तो अब से मैं सोर्स का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं और आपका जो संतुष्ट है, आपका मन संतुष्ट यहाँ पर हो जाएगा। तो जो गैलेक्सी क्लब है वो हमेशा से ट्रस्टेड सैमसंग के लीक्स लेके सामने आते हैं। तो उनका कहना है कि जो सैमसंग गैलेक्सी A71 आएगा और जो सैमसंग गैलेक्सी A91 आएगा, ये दोनों स्मार्टफोन आपको सैमसंग के S11 के लॉन्च के बाद देखने को मिलेगा। और इन दोनों ही स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड 10, जो कि एंड्रॉयड हम लोगों को पता है कि एंड्रॉयड क्यू है, और एंड्रॉयड क्यू यानी कि एंड्रॉयड 10 और सैमसंग का आपको One UI 2.0 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो उससे पहले सैमसंग का ये दोनों स्मार्टफोन नहीं आएगा, सबसे पहले आएगा सैमसंग के S11 सीरीज के स्मार्टफोन। S11 आएगा, S11 प्लस आएगा और शायद S11 ई भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन S11 ई के बारे में कोई भी डिटेल यहाँ पर नहीं पता है। तो हमेशा से सैमसंग अपने एस रेंज के स्मार्टफोन जनवरी के लास्ट में या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में लॉन्च करता है, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद अभी तो टाइम है बहुत ज़्यादा, तो सैमसंग गैलेक्सी A71 और सैमसंग गैलेक्सी A91 आप लोगों को फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, जिस टाइम में सैमसंग का A30 और सैमसंग का A50 इंडिया में लॉन्च हुआ था इस साल। तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन लीक्स निकल के सामने आ रहे थे, मैं क्यों ना आप लोगों को यहाँ पर अपडेट दे दूँ। दोनों ही स्मार्टफोन आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा और सैमसंग गैलेक्सी A91 में आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। दोनों ही स्मार्टफोन आपको एंड्रॉयड 10 मिलेगा, जो कि एक लेटेस्ट रिपोर्ट यही निकल के सामने आया है, और दोनों ही स्मार्टफोन आपको क्वाड कैमरा का सेटअप मिलेगा। और जो सैमसंग गैलेक्सी A71 आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा एक्जिनोस का 9630 का चिपसेट, जो कि 8nm के ऊपर बना हुआ है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, अभी तक तो लीक्स है, लेकिन अभी आने में लगभग 5 से 6 महीना यहाँ पर टाइम, मतलब एक आधा साल अभी बाकी है। तो फिर कोई बात नहीं, अगर आप इतना दिन वेट मत कीजिए, बहुत टाइम है आने में। अगर कोई फ्यूचर में जाके अपडेट निकल के सामने आता है तो मैं आप लोगों को वीडियो के जरिए अपडेट यहाँ पर दे दूँगा। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसे मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी सवाल आते होंगे आपके मन में, आप मुझसे वहाँ भी पूछिएगा, मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिप्लाई करूँगा। और सैमसंग का ए सीरीज 2020 में मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे काम यहाँ पर करने वाला, और आपको काफ़ी नए इनोवेशन सैमसंग के ए सीरीज के स्मार्टफोन में 2019 में देखने को मिलेगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, आप लोगों को मज़ेदार वीडियो यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।